ग्राम सिरवेल के उप स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता को बड़ी परेशानी उठाना पड़ी। अनदेखी के चलते महिला प्रसूता की अस्पताल के बाहर चबूतरे पर ही डिलीवरी हो गई, जिसमें उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वनांचल में एक बार फिर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है। पीड़ित प्रसूता अनिता पिता नरगेश 20 साल निवासी ग्राम गोंटिया डिलीवरी हेतु परिजनों के साथ सिरवेल अस्पताल पहुंची। परिजन महिला की तकलीफ को देखते हुए जल्द ही डिलीवरी कराने पर अड़ गए थे। इस दौरान ANM और परिजनों में कहासुनी भी हुई। इससे पहले अस्पताल में 2 डिलीवरी होना बाकी थी। आपको बता दें कि प्रसूता और उसके परिजन शुक्रवार दोपहर को अस्पताल आए। डिलीवरी शाम 5:30 बजे हुई। डॉक्टर संदीप मंडलोई के अनुसार घटना के दौरान परिजनों ने और कविता अलावे पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं मोनिका वास्कले और कविता अलावे के साथ भी परिजनों ने अभद्र व्यवहार किया। इस संबंध में BMO सुनीता वर्मा ने मामला संज्ञान में लेते हुए कहा कि सिरवेल के उप स्वास्थ्य केंद्र के चबूतरे पर हुई डिलीवरी बड़ी शर्मनाक घटना है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विभागीय जांच करवा कर जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हम लोग प्रसूता और बच्चे की अभी की कंडीशन जैसे बताया गया था कि ठीक था, वो क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा सा वो भार उन्होंने शायद कर लिया था, डिलीवरी का कुछ पेन वगैरह हुआ, फिर भी उन लोगों ने मतलब सिस्टर को बिना बताए और सूचना किए उन्होंने खुद डिलीवरी करवा ली। तो वो क्या टाइमिंग की वजह से वो थोड़ा सा मतलब उन्होंने की भारी हुई, सिस्टर देख नहीं रहे थे। हाँ अभी क्या हम लोग महिला और बच्चे को देख आते हैं, वैसे कल के स्थिति में वो स्वस्थ था तो आज और उसको स्थिति देख लेते हैं। अगर महिला और बच्चा ठीक रहेगा तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, भगवान पूरा हो सका अगर वो तो उनको 2 दिन रखेंगे। वैसे 2-3 दिन रखने का रहता है, महिला थोड़ी स्टेबल हो जाती है और जो भी मेडिकेशन वगैरह चलेगा वो दे देंगे। बाकी बच्चा और महिला के जांच करने हम जा ही रहे, उनके घर जा रहे हैं, उनको देखें। डॉक्टर संदीप मंडलोई, PHC मेडिकल ऑफिसर, PHC सिरवेल। सर ये सिरवेल में जो घटना हुई है इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे? डिलीवरी जो अस्पताल के बाहर हुई है ये बड़ी शर्मनाक घटना है और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए इस प्रकरण की जांच करने के लिए मैं स्वयं प्रसूता महिला और बच्चों को लेने के लिए अपनी एम्बुलेंस से जो है सिरवेल जा रहा हूँ। और मेरा आप सभी लोगों को ये आश्वासन है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए मैं विभागीय कार्रवाई करूँ। इसके लिए हमने मेडिकल ऑफिसर से स्पष्टीकरण ले लिया है और अभी मैं व्यक्तिगत रूप से जाके सभी के बयान लेके और CMHO साहब का भी मुझे कॉल आया है और इसमें कार्रवाई करें। क्या नाम है? डॉक्टर सुनील वर्मा, मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी, भगवानपुर। देखिए दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र सिरवेल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो प्रसव के लिए आई हमारी बहन के साथ जो घटना हुई उसका प्रसव हॉस्पिटल के बाहर ही हो गया, यह बड़ी शर्मनाक घटना है। और अभी हम इस विषय को लेकर यहाँ के BMO वर्मा जी से मिले, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सांसद प्रतिनिधि, और हमने उक्त कर्मचारियों के खिलाफ जो लापरवाह कर्मचारी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसके लिए उनसे बात करी है और भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इसके लिए उनको चेतावनी दी है। और हमारे समाज के लिए यह बड़ा शर्म का विषय है कि हमारे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हुई है। हम BMO सर से इसके लिए बात की है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम लिखा? चंद्र सिंह वास्कले, भाजपा जिला मंत्री, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।